हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं कि आप लोग बेहतर ही होंगे। आज हम लोग जी प्रश्नावली 3.7 पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले 4.4 पूरा कंप्लीट कर दें एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ, लेकिन 3.6 तक पढ़े थे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें 3.6 तक ही था। लेकिन एडवांस में 3.7 भी दिया हुआ है, तो आप सभी को कहना था कि सर 3.7 ही बता दीजिए, तो आप ही के मुताबिक मैं ये वीडियो लाया हूँ। काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसमें हम लोग तीन सवाल पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टेड सवाल है, और आई थिंक आपको इतना सारा क्वेश्चन पढ़ें तो ये भी सवाल पढ़ना भी लाजमी है और अच्छा भी है। तो वीडियो शुरू से लेकर पूरा आखिर देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। फिलहाल यहाँ पर बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए सवाल देखिए क्या बोलता है। दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, यानी कि दो मित्र है अनी और बीजू, उसके आयु में 3 वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का डिफरेंट है, ठीक है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है, यानी कि अनी के जो पिता है धर्म, उसकी आयु जो है अनी की आयु की दुगनी है, ठीक है। और बीजू की आयु की बहन कैथी की आयु की दुगनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर दे रहा 30 वर्ष, और अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो इतना लंबा चौड़ा सवाल है, आप बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे तो छोड़ देंगे, ओ माय गॉड ये कैसा सवाल आ गया, मतलब बनेगा ही नहीं, ऐसे सोच लेते मैडम, लेकिन आराम से बनेगा, टेंशन मत लीजिए, आराम से मैं इसको आपको समझाऊंगा कैसे बनाना है इस सवाल को। देखिए सबसे पहले तो हल लिखते हैं यहाँ पर। देखिए शुरू क्या बोलता है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु क्या है, 3 वर्ष का अंतर है। अब आपको पता नहीं कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, ये तो पता नहीं चल रहा है ना, अनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है, यानी कि लेकिन दे रहा है दोनों का जो आयु है 3 वर्ष का डिफरेंट है, यानी कि अगर एक अगर 10 साल का है, दूसरा 13 साल का होगा, लेकिन कौन 10 साल का है कौन 13 वर्ष का है ये पता नहीं चल रहा, बीजू बड़ा है या अनी बड़ा है, या अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है। तो इसका आंसर भी दो कंडीशन में आंसर आने वाला है, तो पहले हम लोग पहला कंडीशन, इसके बाद फिर दूसरा कंडीशन भी हमको आपको मैं बता के बताऊँगा मना करके। चलिए तो पहले मान लेंगे, माना कि बीजू के आयु और अनी की आयु के हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो माना कि बीजू, पहले अनी लिखते हैं ना, माना कि अनी की आयु, माना कि अनी की आयु क्या मानते हैं, एक्स वर्ष, एक्स नहीं मानते, ए भी मानते, ठीक है। अनी की आयु ए वर्ष मानते, क्या मानते, ए वर्ष, ठीक है। और बीजू, बीजू की आयु मानते बी वर्ष, ठीक है। यानी कि ए जो है अनी की आयु है, और बी जो है बीजू वर्ष की आयु है, बीजू की आयु है। आप भी देखिए यहाँ पर सवाल बोल रहा, दोनों मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का डिफरेंट है, तो अब कौन बड़ा है, जब भी डिफरेंट करते हैं तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं, जैसे कि 13 में से 10 घटाएंगे, है ना, लेकिन कौन बड़ा कौन छोटा ये पता नहीं है, यहीं पे आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन सकता है, a-b = 3 या b-a = 3, यही दो कंडीशन बन सकता है, यही दो कंडीशन में आपका दो आंसर भी आने वाला है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए a-b = क्या होगा, a-b कितना है, 3 वर्ष का अंतर है, a-b = 3 वर्ष, इसको इरेज करते थोड़ा सा, ओके तो a-b की आयु कितना है, 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष यहाँ पे लिख लीजिए, समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। लेकिन ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है, a-b, यानी कि अगर अनी बड़ा है और बीजू छोटा है तो a-b होगा, लेकिन यदि अगर बीजू बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, यदि b-a = 3 वर्ष, ये भी आपका कंडीशन हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये हो या ये हो, दोनों में से कोई कंडीशन हो सकता है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि अनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है। अगर अनी बड़ा होगा तो a-b होगा, अगर बीजू बड़ा होगा तो b-a होगा। अब ये दोनों का अंतर कितना है, 3 वर्ष है, तो ये दोनों हमारा समीकरण बन जाएगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड मान लेते इसको हम, क्या समीकरण सेकेंड मान लेते, तो ये कंडीशन दो बनता है। लेकिन आगे सवाल पढ़िए क्या बोलता है, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है। चलिए अब यहाँ पे सबका यहाँ पे मानना पड़ेगा, अनी के पिता धर्म की आयु, तो मान लेते हैं ना, माना कि धर्म की आयु सबका नाम से ही मान लेते हैं, जैसे अनी ए से था तो ए मान लिए, बीजू बी से था तो बी मान लिए, धर्म को डी से मान लेते हैं, धर्म की आयु कितना मान लेते हैं, डी वर्ष मान लेते हैं। अब डी वर्ष मानते हैं तो प्रश्न से यहाँ पे बोलता है, क्या बोलता है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है, यानी कि अनी के जो पिता है, यानी कि डी जो धर्म की आयु है, तो अनी की आयु की क्या है, दुगनी है। अनी की आयु क्या है, ए वर्ष है, तो ए का 2 गुना है, मतलब समझ में आ रहा। समीकरण जब भी बनाते हैं बीच में इक्वेशन डालते हैं, और सब
दुगना तो ये है ना, दुगना हमारा कौन है, अनिक के पिता की आयु दो गुना है। लेकिन हम दो इधर क्यों लिखें, जैसे कि यहाँ पे देखें, मान लेते हैं कि अनिक के पिता 30 वर्ष हैं और उसका जो बेटी कौन है, अनी है, अनी के वर्ष मान लेते तो 15 वर्ष, तो दुगना हुआ कि नहीं। अब ये दोनों बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अनी की तरफ दो लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे दो लिखें, ठीक है। अब हमारा ये हो गया डी बराबर क्या हो गया 2a। तो यहाँ पे एक कंडीशन हम ये भी लिख सकते हैं कि a बराबर क्या लिख सकते हैं, d बाई टू, a बराबर d बाई टू भी लिख सकते हैं। समीकरण इसको मान लेते हैं हम लोग जी सेकेंड, सॉरी थर्ड समीकरण मान लेते हैं, समीकरण थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, फिर बोलता है बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। बीजू की आयु जो है अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है, बीजू की आयु। तो चलिए बीजू की आयु तो हम बी मान लें, कैथी की आयु हमको के मान लेते हैं, के मान लेते हैं ना, तो फिर लिखते हैं एवं माना कि कैथी की आयु, कैथी की आयु क्या मान लेते हैं, के वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, कैथी की आयु के वर्ष। इसलिए इसलिए यहाँ पे क्या बोलता है, तो इसका कहने का मतलब है कि कैथी जो है, बीजू जो है अपनी कैथी से दो गुनी, यानी कि बीजू बड़ी है कैथी छोटी है, ये तो पता चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा है बीजू जो है कैथी से दुगनी है, ठीक है, बीजू कैथी से दुगनी है। तो यहाँ पे लिख रहे थे बीजू, बीजू कैथी से दुगनी है, तो ऑलरेडी देखिए ये बीजू जो है कैथी से ऑलरेडी दो गुनी है, तो बराबर करने के लिए यहाँ पे दो हमको लिखना पड़ेगा, है ना। यह हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण इसको हम लोग मान लेते हैं 4, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फिर आप बोलते हैं कैथी धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अब पता चल गया कि धर्म बड़ा है कि कैथी बड़ा है, क्योंकि कैथी क्या है, बीजू की बहन है, तो जाहिर सी बात छोटी रहेगी, है ना। और कैथी, और कैथी यहाँ बता रहा कैथी जो है ये किसकी बहन है, बीजू की बहन है, ठीक है। तो कैथी जो है, कैथी छोटी है बीजू से, और बीजू अनी से दोनों मित्र रहता है, जाहिर सी बात दोनों सेम आयु के रहेगा, और अनी से तो बड़ा रहेगा उसका पिता। तो यहाँ पर पता चल रहा है जो धर्म बड़ा है और कैथी छोटी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं के धर्म है ना, डी माइनस के, डी माइनस के बराबर कितना 30 वर्ष। तो यहाँ पे लिख सकते हैं तथा डी मतलब धर्म की आयु और कैथी की आयु, ये दोनों का डिफरेंट कितना है 30 वर्ष का है, कितना डिफरेंट है 30 वर्ष। यहाँ पे समीकरण हम लोग 5 मान लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट हो गया 30 वर्ष का हो गया। यहाँ पे देखिए कैथी और धर्म की आयु, तो कैथी छोटा है धर्म बड़ा है, इसलिए 30 वर्ष ले लिए। और बीजी और बीजू और अनी और बीजू का आयु निकालना। अब देखिए अब क्या करें, क्या करें इसमें जो हमारा आंसर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा कुछ कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको क्या करें, ये जो आपका समीकरण है इसको हम क्या लिख दें, के बराबर लिख सकते हैं बी बाई टू, के बराबर लिख सकते हैं बी बाई टू, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, चलिए ठीक है। और यहाँ पे देखिए डी बराबर क्या है 2a है, डी बराबर 2a है, तो डी बराबर डी का मान और के का मान यहाँ पे रख लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं डी तथा के, यानी कि डी बोले तो धर्म और के बोले तो कैथी का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 क्या है डी माइनस के बराबर 30। चलिए डी कितना है, देखिए डी कितना आया 2a है, डी कितना है 2a है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2a माइनस के कितना है, के आया हमारा यहाँ पे देखिए के बराबर के, तो b बाई टू आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी बाई टू बराबर 30। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, दो यहाँ पे हो जाएगा, दो दूना 4a माइनस बी बराबर 30। अब क्या करेंगे 4a माइनस बी बराबर दो इधर जाकर गुना हो जाएगा समी, यहाँ पे 30 दूना 60, तो समीकरण अब हमारा क्या होगा 6 हो गया, ये 6 समीकरण हो गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और 6 को मिलाइए, देखिए समीकरण फर्स्ट मिल रहा ये दोनों, ये समीकरण और ये समीकरण ए बी में मिल रहा, तो एक बार ये फर्स्ट समीकरण और 6 समीकरण से कंपेयर करेंगे तो एक कंडीशन वाला एज निकलेगा, और एक हम एक बार हम सेकंड से 6 से कंपेयर करेंगे तो दूसरा एज निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा 6 से, फर्स्ट क्या था a माइनस बी बराबर कितना वर्ष था 3 वर्ष, दोनों का आयु का अंतर कितना वर्ष है 3 वर्ष, देखिए a माइनस बी बराबर 3 वर्ष है, ठीक है, तो a माइनस बी यहाँ पे लिख दिए। और फिर 6 नंबर क्या है 4a माइनस बी बराबर 6। अब हमको क्या करना होगा, काटना पड़ेगा किसी एक को, तो किसी एक को काटने के लिए क्या करेंगे, निशान चेंज घटा देंगे, क्योंकि देखिए अब दोनों माइनस में है तो घटाएंगे तो निशान चेंज और ये भी निशान चेंज, प्लस माइनस बन जाएगा, तो ये बी भी खत्म हो गया। देखिए 4a में से 3a घटेगा तो क्या हो जाएगा -3a, चूँकि बड़ा वाला क्या है माइनस में है, 60 में से 3 घटेगा तो -57 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है कट जाता है, a बराबर क्या होगा 57/3,
तीन से कटेंगे तो 19 दिया 57, ए का मान कितना आ गया 19 आ गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं ए का मान, समीकरण किस में रख दें, चलिए फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में रखने पर इसलिए रखते हैं क्योंकि इजी यहाँ पे बनेगा रखने पर। आप लोग थोड़ा सा अच्छा लिखिएगा, ए का मान, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ए क्या है, ए माइनस बी बराबर तीन है और ए का मान कितना है 19 आया और बी बराबर तीन। अब क्या करेंगे जी, क्या करेंगे 19 को इधर भेज देते हैं तो माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा और तीन ऐसे ही रहे, 19 प्लस में जाकर बनेगा माइनस बनेगा। तो देखिए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों घट के माइनस 16 आ जाएगा, है ना, 19 में से 3 कटेगा माइनस 16 तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो बी का मान कितना आ गया, इसलिए बी का मान आ गया हमारा 16। तो एक वर्ष हो गया, ए का मान 19 आया, दूसरा कितना आया 16 आया, तो एक हमारा आंसर आ गया कि अनिक की आयु 19 वर्ष तो बीजू की आयु 16 वर्ष। तो यहाँ पे अब ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं इसलिए अनिक की आयु बराबर ए बराबर 19 वर्ष और बीजू की आयु बी बराबर कितना आया 16 वर्ष। तो एक पहला कंडीशन, एक आंसर आया, लेकिन दूसरा कंडीशन भी तो हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड जो हम समीकरण जो माने, दूसरा कंडीशन माने, एक कंडीशन हमारा ये था क्योंकि पता नहीं था कि अनि बड़ा कि बीजू बड़ा है। अब हम इस समीकरण को, सेकंड समीकरण को सिक्स वाला समीकरण से कंपेयर करते हैं। सिक्स वाला समीकरण कौन था, ये था, है ना, ये था। तो लिख सकते हैं यदि समीकरण सेकंड तथा सिक्स से, तो समीकरण सेकंड क्या था, बी माइनस ए बराबर तीन वर्ष तो उसमें भी था, और ये सिक्स नंबर समीकरण देखिए सेकंड तो यही था ना, बी माइनस ए बराबर तीन, और सिक्स नंबर समीकरण क्या था, फोर ए माइनस बी बराबर 60। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं फोर ए माइनस बी बराबर 60। तो अब इजी हो गया, घटाना कर पड़ेगा नहीं चूंकि जोड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट बी बी क्या होगा कट जाएगा, चार में से तीन, चार में से ए घटेगा क्या बचेगा तीन ए, और साठ में से तीन घटेगा यहाँ जुड़ जाएगा, साठ तीन कितना होगा 63 हो जाएगा, तीन से कटेगा 21 दिया 63। ए का मान आ गया, अब ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है बी माइनस ए सेकेंड सॉरी बी माइनस ए बराबर तीन था, तो b हो गया कितना a, और a का मान कितना है 21 आया बराबर 3, तो b बराबर क्या हो जाएगा 21 में उधर जा जुड़ जाएगा 3 प्लस 21 हो जाएगा, तो b का मान कितना जाएगा 24 वर्ष, कितना जाएगा 24 वर्ष आ जाएगा। तो हम यहाँ पे दो कंडीशन में आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा कि अब यहाँ पे लिख देंगे, हो सकता है यहाँ पे लिख देंगे अतः अनी की आयु बराबर a कितना आया, अनी की आयु कितना आया 21 वर्ष, तो बीजू की आयु बराबर कितना है 24 वर्ष। तो दोनों हमारा एक तो आंसर हमारा ये होगा और दूसरा आंसर क्या होगा हमारा ये होगा, दोनों आंसर सही है। ओके, तो एग्जाम में जब भी ये सवाल आएगा तो दोनों कंडीशन बना करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो लेट किए जो माने बस वही मेन है, कैसे किसी को मानना है, बस यहाँ पे तो दो कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पता ही नहीं चला कि अनी बड़ी है कि बीजू बड़ी है, तो दो कंडीशन मान लिए, जो बड़ा रहता बड़ा में से छोटा घटाते, इसलिए हम ए को बड़ा माने तो ए में से बी घटाएं, यहाँ बी को बड़ा माने तो बी को में से बी में से ए घटाएं। अब यहाँ पे जैसे कंडीशन बोलता है कि धर्म है जो अपनी बेटी अनी से दोगुना है, तो दो यहाँ पे लिख दिए अनी से दोगुना कर दिए। अब यहाँ पे ये भी कर सकते नहीं भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे बोल रहा कि कैथी की आयु दिया के वर्ष माने, तो जो बीजू है कैथी से दोगुना है, तो दो से गुना कर दे कैथी को और के बराबर मान निकालिए b बाई टू, जहाँ दो यहाँ जाके कहा होगा भाग चल जाएगा। अब ये जो हम समीकरण से लास्ट था जो धर्म जो है, धर्म और कैथी के जो आयु का डिफरेंस है 30 वर्ष है। अच्छा, पहले कैथी को क्यों नहीं लिखे, धर्म को बाद में क्यों लिखे, क्योंकि धर्म बड़ा है कैथी छोटी, इसीलिए ठीक है। तो यहाँ पे 30 वर्ष हो गया, अब इसी में दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, के का मान डी का मान लिख दिए, के का मान लिख दिए और ए बी का आ गया, हम इसको क्या कर लिए सॉल्यूशन कर लिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए मिलता हूँ मैं आपको सेकंड सवाल में, आइए सेकंड सवाल देखता हूँ। तो आ जाइए सवाल नंबर दो की तरफ, देखिए सवाल नंबर दो क्या बोलता है, यहाँ पे हम लोग तीन सवाल पढ़ने वाले हैं। सवाल नंबर दो बोलता है एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे दो गुना धनी बन जाऊंगा, ठीक है। कौन बोलता है, एक दूसरा मित्र, दो मित्र है वो दोनों बोलता है। तो दूसरा फिर बोलता है कि यदि आप मुझे 10 रुपया दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। समझ में आ रहा है ये सवाल। तो बोला दोनों की संपत्तियां कितनी, यानी कि दोनों के पास कितना कितना पैसा है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, दोनों के पास कितना पैसा मान लेंगे। माना कि पहले मित्र की संपत्ति है ना,
ये मानना है ना, पहले मित्र की संपत्ति कितना मान लेते, एक्स रुपया है, ठीक है, और फिर दूसरे मित्र की संपत्ति, दूसरे मित्र की संपत्ति कितना है, वाई रुपया। ये दोनों मान लिए कि पहला मित्र के पास मान लेते एक्स रुपया है, दूसरा मित्र के पास वाई रुपया है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार जैसे बोलता है वैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि यदि मुझे एक सौ रुपया, पहला मित्र बोलता है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, तो पहला मित्र यहाँ बोल रहा कि यदि मुझे एक सौ रुपया दे दो तो मैं आपसे दो गुना धनी बन जाऊँगा। तो पहला मित्र के पास अगर कोई सौ रुपया दे देगा दूसरा मित्र, अगर पहला मित्र को दूसरा मित्र को सौ रुपया दे देगा तो जाहिर सी बात यहाँ पे सौ रुपया क्या हो जाएगा, आके इसके पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा मित्र है उसका खजाना से तो सौ रुपया क्या गया हुआ, निकलने गया। जब सौ रुपया दिया पहला मित्र को, दूसरा मित्र ने पहला मित्र को जब सौ रुपया दिया तो पहला मित्र के पास जो भी धन था उसमें सौ रुपया जुड़ गया। लेकिन दूसरा मित्र जो सौ रुपया दिए हैं तो उनके पास जो भी धन था वो सौ रुपया निकल गया। तो बोलता है यदि मुझे एक सौ रुपया दे दो तो मैं आपसे दो गुना धनी बन जाऊंगा। तो ये तो अगर इसको दिया तो ये दोगुना धनी तो बन गया, ये दोगुना धनी बन गया। लेकिन अब हमको समीकरण लिखना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, दो से गुना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा सवाल मान लेते हैं कि पहला मित्र बोले यदि आप मुझे सौ रुपया दे दो तो मैं आपसे दो गुना बन जाऊंगा। चलिए ये सौ रुपया दे दिया इसको, ये मान लीजिए पहला मित्र है, ये दूसरा मित्र है, दूसरा मित्र पहला मित्र को दिया तो दुगुना बन गया। अब देखिए दुगुना तो दिख रहा है लेकिन बराबर नहीं मिल रहा ना, समीकरण का मतलब क्या हुआ, बराबर। तो बराबर करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो से गुना करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। ये दोगुना है ऑलरेडी पहले से, जब जैसे ही इसको दूसरा मित्र पहला मित्र को सौ रुपये दिया है तो ये दोगुना हो गया है लेकिन दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अब हमको समीकरण बनाने के लिए हमको टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो इतना आपको आना चाहिए। चलिए फिलहाल अब इसको हल करते हैं, एक से प्लस सौ हो जाएगा और टू को वाइस करेंगे टू वाई, माइनस टू को सौ से करेंगे तो दो सौ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, टू वाई को इधर लाते हैं, प्लस में क्या हो जाएगा टू वाई माइनस हो जाएगा, और सौ को इधर भेज देते हैं, माइनस दो सौ तो है, सौ प्लस जा क्या बनेगा माइनस सौ, और यहाँ पे लिख लेते हैं एक से माइनस टू वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस तीन सौ, जोड़ने के बाद क्या होगा हमारा तीन सौ हो जाएगा, समीकरण हमारा क्या होगा फर्स्ट हो गया। तो यही आपको मेन बनाना है, अगर ये बनाने के लिए आ गया तो सवाल इजी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए सेकंड बोलता है, दूसरा क्या बोलता है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे दस रुपये दे दो तो मैं आपसे छः गुना धनी बन जाऊँ, किससे, पहला वाला से, तथा दूसरा मतलब वाई, दूसरा बोलता है कि यदि आप मुझे दस रुपये दे दो तो दूसरा, अगर पहला दस रुपये इसको दे देगा दूसरा वाला तो इसके पास आ जाएगा दस रुपया। तो पहला वाला बोलता है कि अगर आप मुझे, दूसरा बोलता है यदि आप मुझे दस रुपये दे दो तो मैं आपसे यानी कि पहला वाला से छः गुना धनी बन जाऊंगा। तो ये जो पहला वाला था उससे तो दस रुपये निकल गया पैकेट से जो भी धन था, तो बोलता है इससे मैं छः गुना बन जाऊंगा। तो देखिए ऑलरेडी ये छः गुना हो गया, जैसे ही ये दस रुपये इसको दिया, जैसे इसके पास दस रुपये आया यानी कि प्लस हो गया, इधर से निकला, तो ये छः गुना बन गया। लेकिन हमको समीकरण बराबर करने के लिए यहाँ पे छः लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, वाई प्लस दस बराबर सिक्स को एक्स करेंगे, सिक्स एक्स माइनस छः दें का साठ, और फिर इसको अच्छे से सॉल्यूशन कर लेंगे। एक्स को लाल ले चले जाते हैं बाएं तरफ, माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा, और 10 को बाएं तरफ ले जाते हैं दाएं तरफ, तो 10 प्लस में जाकर क्या बनेगा माइनस बनेगा, तो वाई माइनस सिक्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस सत्तर। ये हमारे समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया, फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण हो गया। अब देखिए हमको ये दोनों समीकरण को क्या करना है, इसी दोनों समीकरण से हमको क्या करना हल करना है। तो देख रहे यहाँ पे एक से वन है और यहाँ सिक्स है, यहाँ वाई टू है, यहाँ यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ऐसा काम करते हैं इसको इजी करने के लिए, काट किसी एक को तो काटना पड़ेगा, है ना। तो समीकरण फर्स्ट को दो से गुना करते हैं, समीकरण फर्स्ट को दो से गुना करेंगे, सॉरी सेकंड को दो से गुना करते हैं। तो देखिए दो वाई हो जाएगा और ये भी दो वाई है, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट, अच्छा दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट जोड़ सेकेंड और सेकेंड को दो से गुना करने पर। तो पहला समीकरण क्या है, एक से माइनस टू वाई बराबर कितना है माइनस तीन सौ, ये है। और सेकेंड को करेंगे दो से गुना, तो दो से गुना कीजिए टू वाई हो जाएगा, अच्छे दुना बारह एक्स हो जाएगा, और दो से करेंगे तो सत दुना चौदह यानी कि एक सौ चालीस हो जाएगा, हो गया। अब दोनों समीकरण क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब निशान चिन्ह नहीं करना, ये दोनों का हो गया कट गया, बारह एक्स में से एक एक्स घट जाएगा तो क्या बचेगा तेरह एक्स बचेगा, सॉरी ग्यारह एक्स बचेगा, है ना, ग्यारह एक्स बचेगा। और यहाँ पर ये दोनों जोड़ दीजिए, जीरो 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 चार जीरो चार और तीन एक चार कितना गया चार सौ चालीस आ गया माइनस में। तो जब दोनों तरफ माइनस होता तो क्या होता कट जाता है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा चार सौ चालीस बटे ग्यारह, ग्यारह चौक चौवालीस, तो एक्स का मान कितना आ गया चालीस आ गया। अब यहीं पे लिख लेते हैं एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, फर्स्ट नहीं सेकंड पे रखते हैं, रखने पर जो इजी लगे उसी से बनाइए, ठीक है। सेकेंड हमारा देखिए ये दिया हुआ वाई माइनस
सिक्स एक्स बराबर माइनस सत्तर, किसी से भी रखेंगे आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं सोचना कि सर फर्स्ट में क्यों नहीं रखे, सेकंड में रखे, आप किसी में भी रख के देखो आंसर आएगा, ठीक है। तो वाई यहाँ पे एक्स का मान कितना है 40, यहाँ पे 40 लिख देते हैं बराबर माइनस सत्तर, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, माइनस सत्तर ये। तो वाई हो गया माइनस छः चौक 24 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस सत्तर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 240 को बाएं तरफ दाएं तरफ ले जाते हैं तो वाई बराबर माइनस सत्तर और माइनस जक्का बनेगा प्लस बनेगा 240। तो देखिए ये 240 में 70 घट जाएगा, जीरो में से जीरो गया जीरो, 14 में से सात गया सात और दो में से तो एक बचेगा यानी कि 170। तो वाई का मान कितना गया 170 आ गया, ओके। तो वाई का मान यहाँ देख रहे हैं तो 170 रुपया आ गया और 40 एक्स का मान कितना गया 100 रुपया गया, 40 रुपया गया। तो पहला मित्र का धन पता चल गया, दूसरा मित्र का धन पता चल गया, यहाँ पे लिख लेते हैं। अतः पहले मित्र की संपत्ति एक्स माने थे कितना है 40 रुपया आया, और लिखते हैं दूसरे मित्र की संपत्ति, दूसरे मित्र की संपत्ति क्या माने वाई माने, वाई कितना गया 170 रुपया आ गया, 170 रुपया आया। तो बस यही दोनों बनाएंगे आंसर हमारा आ जाएगा। तो मैं जहां तक उम्मीद करता हूं ये तो इजी वाला सवाल था, बस आपको यही कंडीशन समझना है कि अगर पहला किसी के पास जाहिर सी, आप भी किसी को 100 रुपये दीजिए तो आपसे 100 रुपये घट जाएगा और जिसको दी जाएगा उसको 100 रुपये क्या होगा बढ़ जाएगा। तो एक्स को दिया 100 रुपये तो एक्स हो गया 100 रुपया, और वाई जहाँ से निकला पैसा खजाना से तो घट ही जाएगा। और बोलता है ये जो बोलता है इससे दो गुना है, तो दो को नहीं लिखते हैं फिर भी ये दो गुना बन गया, लेकिन समीकरण बनाने के लिए हमको दो यहाँ पे क्या करना पड़ता है लिखना पड़ता है, आपको पता ही है। चलिए सवाल नंबर तीन देख लेते हैं क्या बोलता है सवाल नंबर तीन, आ जाइए सवाल नंबर तीन की तरफ। तो देखिए कितना बड़ा सवाल है, तो देखने के बाद लग रहा ओ माय गॉड ये सवाल से डर लग रहा है, क्या करेंगे हम। फिलहाल डरने की बात नहीं, बहुत तेजी से इसको सोल्व करेंगे और बड़ा मज़ा आ जाएगा। तो आई थिंक आपको पहला दूसरा समझ में तो आ ही गया होगा, सवाल नंबर तीन समझ लीजिए, वीडियो को लास्ट कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे सवाल पढ़ेंगे। तो इस लेसन में ज़्यादा सवाल नहीं है, इस लेसन में आपका 8 तक सवाल है, लेकिन 7 नंबर सवाल जो है काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग, 7 में 5 सवाल है जो काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 3-4-5 वीडियो में ये 3.7 खत्म करने के लिए। आइए सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है, कुछ दूरी जो है समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है, अगर स्पीड अलग चलेगा तो 2 घंटा कम टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो कम समय में पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर स्पीड घटा देंगे तो समय क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ईजी से इसको सोल्व करने वाले हैं। चलिए पहले हल लिखते हैं। तो देखिए हमको क्या क्या यहाँ पे ज्ञात नहीं है, चाल पता नहीं कितना स्पीड से चल रहा फिलहाल, है ना, पहला चाल पता नहीं चल रहा, और फिर हमको समय कितना लग रहा पहले वो पता नहीं चल रहा, जो बोला ना 2 घंटा कम समय लगता, तो रियल समय कितना लग रहा वो तो पता ही नहीं है, और रेलगाड़ी की दूरी निकालना है। तो ये दोनों तीनों को यहाँ पे देखना है, समय दूरी चाल, है ना। तो पहले मानना पड़ेगा, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल, यहाँ पे चाल को क्या मानते हैं एस मानते हैं, एस मतलब बोले तो स्पीड, है ना, एस किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड मतलब एस लिख दिया हम, ठीक है। और समय, समय भी मान लेते हैं, समय बराबर क्या मानते हैं टी, क्योंकि पता है समय का टी होता है, तो टी आपका यहाँ पे क्या है घंटा नहीं, तो टी आवर, एच टाइम कितना लग रहा है एच मतलब टी आवर मान लें, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होता है दूरी बराबर फॉर्मूला, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, चाल गुना समय, ये तो पता है ना, चाल गुना समय जो है दूरी का फॉर्मूला होता है, चाल गुना समय, चाल को क्या माने हम एस माने और समय को क्या माने टी माने, यानी कि हम इसको एच टी लिख सकते हैं, एस टी, तो दूरी बराबर क्या हो गया एस टी, यानी कि चाल गुना समय हो गया, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ इसी को हमको लेकर के आगे बनाना पड़ेगा। अब देखिए जाहिर से पहले बोलता है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक करते हैं तो चाल जो है, यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर अधिक करते हैं तो समय 2 घंटा कम लगता है, ठीक, यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ पर बनाते हैं। चलिए प्रश्न से, प्रश्न क्या बोलता है, यदि रेलगाड़ी, पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, ठीक है, चाल गुना समय होता है। अब देखिए दूरी, तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर आया हमारा एस टी, दूरी बराबर क्या है चाल गुना समय, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस टी को। और यहाँ बोलता है यदि चाल, चाल जो है 10 किलोमीटर अधिक कर दी, यानी कि चाल को क्या माने हम एस माने, चाल को क्या माने एस माने, इसमें 10 किलोमीटर अधिक कर देंगे, 10 किलोमीटर अधिक कर दिए, ये हमारा पूरा क्या हो गया चाल हो गया, तो समय जो है 2 घंटा कम जाता है, यानी कि टी जो माने थे उसमें 2 घंटा क्या हो जाएगा कम जाएगा। इसको समझिए, इसी को आपको समझना जरूरी है, दूरी बराबर चाल गुना समय फॉर्मूला होता है।
अब यहाँ पे दूरी का हम दूरी जब बनाए तो क्या आया, एस टी आया, तो हम लिख सकते हैं दूरी का मान लिख सकते हैं एस गुना टी, चूंकि चाल गुना समय ही तो दूरी के बराबर होता है, लिख दिए। अब हमारा पहला बोलता है चाल, कि चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तेज कर दे, तो देखिए चाल को एस माने थे, इसमें चार घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा का किए बढ़ा दिए, यानी कि पूरा क्या हो गया, चाल हो गया। तो समय जो है 2 घंटा कम लगता है, यानी कि टी जो है 2 घंटा कम लगता है, तो चाल हो गया, समय हो गया, तो चाल गुना समय भी क्या होता है, दूरी के बराबर होता है। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। चलिए तो इसको हल कर लेते हैं, यहाँ क्या करेंगे, एस टी ऐसे रहने देते हैं, ये देखिए एस को टी से गुना करेंगे क्या होगा, एस टी हो जाएगा, एस को 2 से करेंगे तो माइनस 2s हो जाएगा, और 10 को टी से करेंगे तो 10t हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 10 को 20, 2 से करेंगे 10 दुना 20 हो जाएगा। अब सब को एक तरफ ले चले आते हैं, ये सब अचर पद को एक तरफ लाते हैं, एस टी यहाँ पे है, ये s प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 2s प्लस माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस में 2s हो जाएगा, और 10t प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस 10t हो जाएगा, और ये बराबर जो है माइनस 20 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए एस टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ पे क्या होता है 2s माइनस 10t बराबर 20। अब इसको और इजी बनाने के लिए क्या करें, दो दो कॉमन ले लेते हैं, दो दो क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, s बचेगा माइनस 2 × 5 = 10, 5t बराबर क्या बचेगा यहाँ पे 20, तो काट दीजिए 2 × 10 = 20 माइनस में ना, तो s माइनस 5t बराबर क्या हो गया, माइनस 10 हो गया। ये हमारा समीकरण हो गया फर्स्ट, यही आपको बनाने के लिए सीखना है, अगर ये बनाने के लिए आ गया तो बस ईजी से बना लीजिएगा। दूसरा बोलता है, यहाँ लिख लेते हैं तथा, दूसरा देखिए क्या बोलता है, कि यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दें तो नियत समय जो समय लग रहा है 3 घंटा अधिक लगता है। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। तो दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, एस टी लिख सकते हैं, चूंकि अभी लिखे दूरी का एस टी, यानी कि चाल गुना समय दूरी होता है। और यहाँ बोलता है चाल में बोलता है कि यदि जो चाल है इसमें हम जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं तो समय जो है टी है इससे 3 घंटा अधिक लगता है। देखिए यहाँ पे बोलता है तीन घंटा अधिक लगता है, जब चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं तो माइनस कर देंगे तो 3 घंटा अधिक लगता है, यानी कि 3 प्लस कर देंगे। तो ये तो फॉर्मूला ही होता है ना, क्योंकि ये क्या हो गया, ये पूरा चाल हो गया, ये समय हो, चाल गुना समय क्या होता है, दूरी होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दूरी। अब देखिए एस को टी से गुना करेंगे तो एस टी हो जाएगा, सेम पहले की तरह एस को टी से गुना करेंगे तो 3s हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 10 को टी से करेंगे तो 10t हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 10 × 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको इधर ले चले आते हैं, एस टी ये प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस में एस टी बन जाएगा, और यहाँ पे 3s जो है वो प्लस में क्या बन जाएगा, 3s बन जाएगा, माइनस में 10t प्लस माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी कि बाएं तरफ इन सभी को बाएं तरफ लाएं तो निशान तो चेंज होता है, और ये जो जैसे माइनस 30 है वो उसी रहने देते हैं। देखिए एस टी क्या हो गया, कट गया, अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस 3s बच गया और प्लस 10t बच गया बराबर माइनस 30 हो गया। समीकरण हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो समीकरण फर्स्ट देखिए यहाँ पे आ रहा, समीकरण सेकेंड आ रहा, तो बेहतर होगा इसको बनाने के लिए बेहतर होगा ये ना करें, ये जो किए हैं ना, फिर चूंकि वही कंडीशन आने वाला है, तो 10 10 देखिए इसमें भी 10 आ गया, इसमें पहले से 10 था ही, तो ऐसा करते हैं ये सबको कैंसिल करते हैं इसको, ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, हालांकि इससे भी आंसर आ जाएगा लेकिन गुना करना पड़ेगा, एक लाइन बढ़ जाएगा, तो इसको हम कैंसिल करते हैं, यहीं पर समीकरण हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10t तो पहले से है और इसमें भी 10t पहले से आ गया, तो दोनों समीकरण को मिला के हल कर देंगे तो इजी से हो जाएगा। हालांकि इसमें करना पड़ेगा तो हमको इसको 2 से गुना करना पड़ता, फिर तब 10t आता, मतलब फिर वही आ जाता, यही आ जाता, तो इसको हम क्या किए, कैंसिल कर दें, इसको नहीं लिखना, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट को सेकंड से क्या कर दें, जोड़ दें, यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है, 2s माइनस 10t बराबर माइनस 20, तो यहाँ लिख लेते हैं 2s माइनस 10t बराबर माइनस 20, यही है ना, एक बार फिर से मिला लेते हैं 2s माइनस 10t बराबर माइनस 20, और यहाँ पे जो दूसरा समीकरण है आपको दिख रहा 3s और प्लस 10t बराबर कितना है, माइनस 30। आप समीकरण दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों का हो गया, कट गया। देखिए अब अगर उसको नहीं काटते तो फिर हमको गुना करना पड़ता, यही आता, इसलिए हम उसको हटा दिए डायरेक्ट, तो 3s में से एक एक से घट जाएगा, 3s यहाँ पे से 2s से घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस s बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है, और ये दोनों तो घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 50 हो जाएगा। तो s माइनस माइनस क्या हो गया, तो s बराबर क्या गया, s बराबर गया 50, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। तो s यहाँ पे निकल गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे चलिए किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, s का मान
समीकरण किस में डाल दें, किसी में भी डाल देते हैं। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, सेकेंड में डालता हूँ, ठीक है। सेकेंड में रखने पर किसी में भी रखेंगे आंसर आएगा, ठीक है। सेकेंड में रखेंगे तो सेकेंड हमारा समीकरण आपको दिख रहा है यहाँ पे। चलिए इस पेज में बना लेते हैं, इस पेज में सेकेंड क्या है, माइनस थ्री एस प्लस, ये ना माइनस थ्री एस प्लस दस टी बराबर माइनस तीस, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस थ्री एस प्लस दस टी बराबर माइनस तीस। तो देख रहे कितना लंबा बन जा रहा है ना, घबराने की बात नहीं, पाँच नंबर मिलेगा ऐसा ही, फ्री नहीं मिलेगा, ठीक है। माइनस थ्री एस का मान कितना है, पचास आया, प्लस दस टी बराबर माइनस तीस। तो देखिए पचास को तीन से गुणा करेंगे, पाँच या पंद्रह, एक सौ पचास हो जाएगा माइनस में, प्लस दस टी बराबर माइनस तीस, ठीक है। अब एक सौ पचास को इधर भेजेंगे तो प्लस में बन जाएगा, तो दस टी तो ऐसे रहेगा माइनस तीस, और प्लस माइनस पचास बन जाएगा क्या, एक सौ पचास जो बन जाएगा प्लस में बन जाएगा। तो ये तो ईजी वाला है, ये तो आपको बनाने के लिए आ ही गया होगा, है ना। इसको फटाफट बना लेते हैं, तो 150 में से 30 घटाएंगे क्या होगा, 120 बनेगा। अब 0 से 10 से काट दें, 10 दहेंगे 12 दहेंगे 120 होता है कि नहीं होता है। टी बराबर कितना गया, 12 घंटा गया, 12 घंटा गया। अब हमको निकालना क्या था, इसलिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, क्योंकि हमको रेलगाड़ी की दूरी निकालना है, रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करता है, ये जो दूरी है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी तो माने थे यहाँ पे, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, और चाल हमारा कितना एस है, समय कितना है टी माने थे, एस कितना आया हमारा, एस आया 50 किलोमीटर, और टी कितना है, टाइम जो है 12, तो 12 पचे 60, एक जीरो यहाँ पे लिख देंगे, 60 किलोमीटर। दूरी कितना आ गया, 600 किलोमीटर, दूरी कितना आ गया, 600 किलोमीटर आ गया। तो बस इसी तरह से इसको बनाइएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि दोनों ट्रेन जो है, सॉरी ट्रेन जो है 600 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। बस यहाँ पे दो कंडीशन दे दिया कि अगर टाइम को बढ़ाएंगे, चाल बढ़ाएंगे तो टाइम घट जाएगा, जाहिर सी बात है, और अगर चाल घटाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एस टी करके मानना, चूंकि एस हम स्पीड मान लिए, टाइम को टी मान लिए, ताकि इजी लगे मानने, एक्स वाई भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एस फोर स्पीड होता है, टी फोर टाइम होता है, इसलिए मैंने एस टी मान लिया, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे बोला गया कि दूरी बढ़ाओ चाल गुना समय, तो जैसे बोलता है दूरी चाल बढ़ाना, तो चाल प्लस कर दिए, तो दूरी समय घट जाता, तो समय का कि माइनस कर दिए, और चाल को समय से गुना करेंगे तो दूरी की तो फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे ये पहला कंडीशन हो गया, दूसरा भी कंडीशन इसी तरह से हो गया है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा समझ में आया कि नहीं आया। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे से रابطہ कायम कर सकते हैं, वो कहाँ, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर देखिए मैं व्हाट्सअप नंबर क्यों नहीं दे रहा, बहुत सारे बोल रहे सर व्हाट्सअप नंबर दे, व्हाट्सअप नंबर इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं परेशान हो जाऊँगा, मेरे पास एक ही नंबर है, परेशान हो जाऊँगा, फिर मैं आप पढ़ाऊँगा या मैं आप सभी को व्हाट्सअप में रिप्लाई करूँगा, इसलिए टेलीग्राम में ज्वाइन होइए। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पर सर्च कीजिए ए ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, एक ग्रुप आएगा उसमें ज्वाइन हो जाए, 650 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे जुड़ गए हैं, ठीक है। तो वहाँ से मुझसे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, सेम टू सेम व्हाट्सएप की तरह है, मैसेज कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, मेरा नंबर शो नहीं करता, कोई कॉल वॉल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मैसेज ही करेंगे, तो मैं आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, पसंद आया है तो लाइक वाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका रोज़ क्लास चलता है सुबह शाम 7 बजे, और 3 बजे दिन में भी, और 9 बजे सुबह भी, ठीक है, 9 बजे सुबह भी। तो ये 4 टाइम जो है क्लास आपका चल रहा है। तो आइए वीडियो के यहीं पर लास्ट कर लेते हैं, इजाज़त दीजिए मुझे, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरी वन।